अगर आपको हेयरफॉल हो रहा है तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि शादी के एक साल बाद ही उससे एक गंभीर हेयर प्रॉब्लम जिसे एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस कहते हैं उससे वह जूझने लगी जिनको हीट रिलेटेड ट्रीटमेंट कराने ही होते हैं जिनको प्रोडक्ट्स यूज करने ही होते हैं ऐसे केसेस में भी अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप चलिए बात करते हैं कि हेयर लॉस को आप कैसे प्रिवेंट कीजिए हेलो मैं हूं डॉक्टर स्तुति खरे शुक्ला आप मुझे हेयर ग्रोथ क्वीन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं दोस्तों बहुत लोग जो हैं हेयर की समस्या से आज जूझ रहे हैं बहुत परेशान होते हैं कुछ लोग तो इस तरीके से कहते हैं कि शायद उनको शादी जैसी समस्याओं में भी परेशानियाँ आने लगती हैं तो मैं जब अपने पेशेंट से मिलती हूँ मैं ये देखती हूँ कि ना केवल वो फिज़िकली इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं बल्कि मानसिक तौर पे भी काफ़ी परेशान होते हैं। तो समझते हैं कि हेयर का हेयर फॉल होता क्यों है हेयर बना किस चीज से है और ये जो हेयर का प्रॉब्लम किस स्टेज से स्टार्ट होता है अब ये हेयर बना कैसे है देखिए हेयर जो है बेसिकली कैरेटीन मतलब कि प्रोटीन का बना होता है इट इज़ अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन विच हैज हेलिकल एंड ये ही हमारा कैरेटीन को ही हम हेयर कहते हैं अब हेयर फॉल की समस्या स्टार्ट कब होती है आपको मालूम है कि डिफरेंट लोगों को डिफरेंट एजेस पे ये समस्या होती है कुछ बेचारे बच्चे हैं जो केवल चौदह पंद्रह साल की एज से हेयर फॉल की समस्या से जूझने लगते हैं कुछ महिलाएं हैं जिनको ये प्रेगनेंसी के वक्त होता है कई कि किसी लोगों को जब मीनोपॉज होता है तब होने लगता है किसी किसी को जो है पीरियड्स आते ही ये प्रॉब्लम चालू होती है किन्हीं लोगों को थायराइड की वजह से होता है तो ये समस्या जो है विभिन्न प्रकार के लोगों को विभिन्न एजेस में होता है और ये समस्या जब होती है इसका एकमात्र कारण नहीं होता अनेक प्रकार के कारण होते हैं तो सबसे मुख्य कारण जो इसका है वो है जेनेटिक पैटर्न ऑफ हेयर लॉस इश्यू मतलब कि अगर आपके फैमिली में आपके पिताजी को या माताजी को या मामा चाचा नाना दादा में से किसी को भी इश्यू है तो चांसेस है कि ये आपको भी हो सकता है इसीलिए अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हो तो ध्यान रखें आप अपने बच्चों के लिए भी और अगर आपको छोटा भी साइन मिलने लगता है हेयर ग्रोथ फॉल का यू नीड टू बी वेरी कॉशियस अबाउट इट मैंने इतने सारे पेशेंट्स को ट्रीट करने के बाद ये ज़रूर पाया कि ये इमोशनली कई बार बहुत बुरी तरीके से भी कुछ लोगों को अफेक्ट करने लगता है एक पेशेंट मिली मुझे जब मैं उसको देखना मैंने जब उसको देखा मैंने उसको समझा मेरे मन को उसकी कहानी बहुत बुरी तरीके से छू गई शी वॉज ए न्यूली मैरिड गर्ल और उसकी खूबसूरती ऐसी थी जैसे कि मुमताज महल हो <laughs> इतनी खूबसूरत महिला उसने जब अपनी फ़ोटो दिखाई पिछली फ़ोटोग्राफ तो मेरे मुंह से यही निकला कि अरे वाह आप तो बड़े खूबसूरत थे उसने मुझे अपनी दर्द भरी कहानी बताना चालू की कि शादी के एक साल बाद ही उसे एक गंभीर हेयर प्रॉब्लम जिसे एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस कहते हैं उससे वह जूझने लगी थी एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस का मतलब ये होता है कि आपके ना केवल सर के पूरे बाल चले जाएँ बल्कि आपकी आईब्रोज आई, आई लेशेज़ शरीर के सारे बाल जब उसमें पूरी तरीके से गंजापना आने लगता है पूरी बॉडी के बाल चले जाते हैं तो उसने मुझे बताया कि किस तरीके से वो एक बहुत सुंदर नारी से खुद को एक अलग तरीके से देखने लगी वह तो परेशान थी पर उसको ज़्यादा परेशान करने वाले कुछ उसके घर के ही लोग थे वो अपनी फैमिली लाइफ में पर्सनल लाइफ में सफ़र करने लगी उसके फैमिली ससुराल वालों से एक डिवॉर्स नोटिस मिलता है वो पूरी तरीके से टूट गई थी उसने मुझे आके बताया कि उसने दो बार सुसाइड भी किए थे और उसके माता पिता ने उसको किस तरीके से बचाया जब वो मेरे पास आई उसने कंसल्टेशन में ये सारी बातें रखी और उसने मुझे यह भी बताया कि मैडम ये सिर्फ़ मेरी कहानी नहीं है मेरे जैसी कई महिलाओं की कहानी है आज आप लोग जो हैं जब महिलाओं के अच्छे बाल होते हैं अच्छी खूबसूरती होती है उनको किस तरीके का तवज्जो मिलता है और जब यह परेशानियाँ आती हैं तो किस तरीके से धत्कार मिलती है तो यह सोचकर यह समझकर मेरी आंखों से आंसू निकले और मैंने सोचा कि ऐसे कितने पेशेंट होंगे उसके बाद मैंने एक शिविर चलाया एलोपेशिया यूनिवर्सलिस के पेशेंट्स के लिए जिसमें हम लगभग मुफ्त में ही ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करना हम लोगों ने चालू किया स्पेशली फ़ीमेल्स को जो मैरिजेबल एज की होती हैं और वो जो मेरी फीमेल पेशेंट है जो सुसाइड की बात करती थी अब उनकी दूसरी शादी हो चुकी है और वो आज जो है अपने सेकेंड बेबी के साथ गर्भावस्था में है बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हम हेयर केयर कैसे करें देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हीट रिलेटेड ट्रीटमेंट्स जो रहते हैं आप जितना अवॉइड कर सकें उतना अच्छा है क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेस मॉडल्स भी आते हैं जिनको हीट रिलेटेड ट्रीटमेंट कराने ही होते हैं जिनको प्रोडक्ट्स यूज़ करने ही होते हैं ऐसे केसेस में भी आप जो है मिनिमम ही रखें उसको अपने ट्रीटमेंट्स को कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसमें कि फॉर्मेलिटी का भी प्रयोग होता है जैसे कि कैरेटीन हो गया सिस्टीन हो गया ये सारे ट्रीटमेंट्स जो हैं बालों की आउटर लेयर को वीक करते हैं आउटर लेयर को वीक करके हेयर फॉल को ट्रिगर करते हैं और कई बार तो इससे गंजा पना काफ़ी स्टिमुलेट हो जाता है बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं इस समस्या से जूझ रहे हैं कि आफ्टर सिक्स मंथ्स ऑफ दिस हीट ट्रीटमेंट केमिकल ट्रीटमेंट्स जो है एक्सेसिव कैरेटीन और सस्टीन कराने के बाद ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गया बहुत सारे पेशेंट्स जो है क्रैश डाइटिंग भी करते हैं जिसके वजह से एक्सेसिव हेयरफॉल उन्हें होने लगता है क्रैश डाइटिंग में कुछ लोग जो रहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पूरी तरीके से बंद कर देते हैं दस दस किलो वज़न एक महीने में घटाते हैं बहुत लोगों को ये सूट भी करता है बट बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिससे उनको थाउजेंड प्लस हेयर स्टैंड्स का एक्सेसिव हेयर फॉल होने लगता है बहुत बार लोग ध्यान नहीं रखते हैं अपनी डाइट का प्रोटीन इनटेक बहुत कम रखते हैं स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब रखते हैं स्पेशली आज के जनरेशन में तो सबकी एरेटिक लाइफ स्टाइल है रोज कुछ लोग तीन बजे सोते हैं सुबह ग्यारह बजे उठते हैं तो ये सारी चीजें जो है एक तरीके से आप अपने हेयर को बुरी तरीके से एक्सप्लॉयड कर रहे हैं आपकी एक प्रॉपर दिनचर्या होना जरूरी है डाइट में प्रोटीन इनटेक एटलीस्ट वन ग्राम पर के जी बॉडी वेट के हिसाब से होना चाहिए मतलब अगर आपका वेट सिक्सटी के जी है तो यू शुड एटलीस्ट कंज्यूम ग्राम सिक्सटी ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इन योर डाइट इसी प्रकार से आपका पानी जो है आपको दिन में तीन से चार लीटर लेना चाहिए और आपको स्मोकिंग जितनी अवॉइड कर सके उतना अच्छा है स्पेशली अगर आपको जेनेटिक पैटर्न ऑफ हेयर लॉस इश्यू हो तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप आ, पनीर सोयाबीन स्प्राउट्स राजमा छोला दाल दही ये सारी चीज़ें लें अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो सोर्स ऑफ प्रोटीन्स तो आपके लिए और ज़्यादा हैं जैसे कि एग्स हो गया चिकन हो गया फिश हो गया तो कोशिश कीजिए कि प्रोटीन्स डाइट में लें जिंक कोबोल्ट क्रोमियम आयरन मैगजीन ये सारे जो तत्व हैं ये जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में हम इन्हें जानते हैं तो ये भी आपकी डाइट में होने चाहिए ये आपको जो रहते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से मिलते हैं एग योग से मिलते हैं आपको जो है ये फिश में मिलते हैं तो ये चीज़ों का भी डाइट में ध्यान रखें अगर आपको लगता है कि आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है तो आप सप्लीमेंट्स का भी प्रयोग कर सकते हैं और ऐसे सप्लीमेंट्स जो हैं आप डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर भी यूज़ कर सकते हैं चलिए बात करते हैं कि हेयर है लॉस को आप कैसे प्रिवेंट कीजिए देखिए हेयर लॉस जो है वो डिफरेंट टाइप का होता है जैसे हमने बात की एक होता है जेनेटिक और एक होता है नॉर्मल हेयर फॉल जो यूजुअली लोगों को पाया जाता है अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किन किन कारणों से है आपको अपने हॉर्मोन्स चेक कराना जरूरी होता है कई बार कई बार न्यूट्रिशन पर ध्यान देना जरूरी होता है कई बार आपको जो है अपने दिनचर्या पे ध्यान देना जरूरी होता है वाटर हो गया स्लीप साइकिल हो गई सप्लीमेंटेशन हो गया ये सारी चीज़ें बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट हैं तो हम बात करते हैं हार्मोनली रिलेटेड हेयर लॉस इशू की देखिए हार्मोन रिलेटेड हेयर फॉल जो है प्रायः फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है क्योंकि फीमेल्स में थायरॉयड इशूज़ कॉमन होते हैं पी का प्रॉब्लम कॉमन होता है थाइरॉयड इशू यानी कि हाइपोथाइरोडिज्म में पेशेंट्स को एक्सेसिव हेयरफॉल होता है तो सबसे पहले अगर कोई फ़ीमेल आती है कि मुझे चार छः महीने में एकदम हेयर फॉल हो रहा है तो हम उनको बोलते हैं कि थाइरॉयड का टेस्ट कराएं कई बार पेशेंट को ख़ुद नहीं मालूम होता कि उनको पीसीओडी होता है फिर उनकी हिस्ट्री निकलवाते हैं तो पता चलता है उनकी रेगुलर पीरियड साइकिल हैं और उनको पीसीओडी का भी प्रॉब्लम है जो कई बार उनकी फर्टिलिटी को भी इफ़ेक्ट करती है तो उसका रीज़न भी हमारी लाइफ साइकिल है स्ट्रेस है हमारे लाइफ में जो जीवन शैली में जो प्रॉब्लम्स हैं हम उनको पहले के लोगों की अपेक्षा अलग तरीके से उनसे जूझ रहे हैं अपनी डाइट में बहुत चेंजेस आ गए हैं हमारी डाइट वेस्टर्नाइज हो गई है हमारा जो दिन दिशा की जो शैली है वो पूरी तरीके से बदल चुकी तो ये सारे कारण तो है ही पानी में जो चेंजेस हैं वाटर इतना हार्ड हो चुका है मेट्रोपॉलिटन सिटीज का पानी बहुत डिफरेंट है आज की डेट में बहुत सारे पेशेंट गल्फ कंट्रीज से आते हैं हेयर है लॉस को लेके तो ये सब कारण तो है ही पर इसके अलावा भी जो है स्ट्रेस एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण काफ़ी हेयरफॉल की समस्या से दोनों ही मेल्स और फीमेल्स जो है जूझ रहे हैं अब इसको हम किस तरीके से ट्रीट करें ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन मुझसे न जाने कितने लोग रोज पूछते हैं देखिए सबसे पहले आपको हेयरफॉल को कंट्रोल करने के लिए हेयरफॉल के कारण को सुधारना जरूरी है बहुत से लोग सोचते हैं कि कोई डॉक्टर साहब आप शैम्पू बता दीजिए या कोई तेल बता दीजिए जिससे ये मेरा प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाए सबसे पहले आपको अपने जो अंडरलाइन रूट कॉज है उसको ट्रीट करना बहुत अनिवार्य है फॉर एग्जाम्पल इफ आप था से सफ़र कर रहे हैं तो आप थारॉयड को बिल्कुल ठीक कीजिए अगर आपको पी का प्रॉब्लम है तो आप पी आपकी जो है अल्ट्रासाउंड स्कैन कराइए आप उसमें जो ट्रीटमेंट है उसको कराना जरूरी होता है क्योंकि बाल का अंडरलाइन कॉज तो आपके पी सी हो गया इसी तरीके से अगर आपको जेनेटिक टर्न ऑफ हेयर लॉस इश्यू है फिर उसको ठीक तरीके से ट्रीट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जेनेटिक है मतलब आपके ब्लड में जीन्स में है तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं और आजीवन हमको इसमें मेंटेनेंस लगना ही लगना होता है तो कई मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं आज की डेट में कुछ जो हैं साइड इफ़ेक्ट्स जिनमें बिल्कुल नहीं होते हैं कुछ एफ डी अप्रूव्ड हैं कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं जिनको लगाना बहुत आसान है क्योंकि पहले जो है एडवांस हेयर लॉस में किसी को होता था तो केवल एक ही ऑप्शन होता था जो होता था हेयर ट्रांसप्लांटेशन अब हम नॉन सर्जिकली मैं कितने सारे पेशेंट को रोज की डेट में विदाउट एनी सर्जरी सफलतापूर्वक उनको ट्रीट करती हूँ बहुत लोग मुझसे पूछते हैं डॉक्टर साहब ऐसी कोई टिप्पणी दे दीजिए जै, जैसे कि डू इट योर सेल्फ होम रेमेडी कोई टिप तो मैं ये बताना चाहूँगी कि देखिए सबसे पहले समझिए किस टाइप का हेयर लॉस है उस हिसाब से ट्रीट कीजिए पर अगर आपको कोई सीजनल हेयर फॉल है या फिर आपको कुछ मामूली सा हेयर फॉल हो रहा है आपकी डाइट में अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ियाँ हैं तो उसको कंट्रोल करके आप अनियन रस जो है यानी कि प्याज का रस जो है उसको भी यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे पेशेंट्स जिनको टीलोजन इफ्लूवियम यानी नॉर्मल हेयरफॉल या सीजनल हेयरफॉल जैसा प्रॉब्लम होता है उनको न, आ, अनियन रस से कई बार बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट मिलता है और ऐसे कई ट्विट योर सेल्फ रेमिडीज रहती हैं जैसे अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हैं या उनमें बहुत ड्राइनेस है तो आप कोकोनट ऑयल को हनी के साथ मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं उसी प्रकार से अगर बहुत ज़्यादा ऑयली आपके बाल हैं और बहुत ज़्यादा आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम होता है तो आप नारियल के तेल में कपूर को मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं डैंड्रफ को कंट्रोल करने के लिए जो स्टॉक आशा के मंच से आज मैं सभी को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आपके सामने जो भी हो आपके समक्ष जो भी हो एक बच्चा हो एक बूढ़ा हो एक बड़ा हो आप उसकी इमोशन समझिए फिजिकल प्रॉब्लम जो है को हम कई बार हंसी में उड़ा देते हैं कि अरे बाल ही तो गए हैं ये आपके कॉन्फिडेंस को आपके मन को आपकी पर्सनालिटी को किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है केवल दो ही लोग समझ सकते हैं जो वो इंसान जो उस चीज़ से गुजर रहा है और मेरे जैसा डॉक्टर जो उस पेशेंट को रोज़ रोज़ देख रहा है तो प्लीज़ जब आपके पास एक ऐसा पेशेंट आए जब ऐसा व्यक्ति आए आप उसकी मदद करने की कोशिश कीजिए उस तक सही इंफॉर्मेशन पहुँचाइए ना कि उसके हंसी हँसी धन्यवाद